हेलो नमस्कार दोस्तों, 19 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो मैं एक्चुअली वेबसाइट पे अपलोड करूंगा। आज क्वेश्चन है वो प्रिपेयर नहीं कर पाया था, मैं एक्चुअली बाहर था इस वजह से, तो जो और PDF है वो भी नहीं अपलोड हो पाई थी सैटरडे की। तो सैटरडे की PDF है और आज की जो PDF है वो दोनों PDF मैं आज कंबाइन एक साथ अभी अपलोड कर दूंगा, मतलब अलग अलग डेज के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको कोई दिक्कत हो नहीं आएगी, सॉरी फॉर डिले। तो अभी चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। तो आज सबसे पहले जो आर्टिकल है वो आया है मेरे लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर और जुडिशरी के बारे में। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए होते हैं। तो यह मेरे लिए GS2 से रिलेटेड आर्टिकल है। इस आर्टिकल में देखो ये कहा गया है कि जुडिशियरी हमें हमारी न्यायपालिका है, उसने क्या क्या ऐसे स्टेप उठाए हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म लाने के लिए, तो उसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो देखो आर्टिकल बता रहा है कि जुडिशियरी ने काफ़ी सारे स्टेप उठाए हैं हमारे देश के जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है उसके इलेक्टोरल रिफॉर्म लाने के लिए। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल दिया जाता है कि 2001 से पहले क्या सिस्टम था। 2001 से पहले हमारे देश में सिस्टम था कि भाई जो भी वो इलेक्शन में कोई कैंडिडेट खड़ा होता है उसे ना तो अपनी संपत्ति के बारे में बताना होता था, ना अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, ना ही उसके ऊपर कोई केस वगैरह चला, मुकदमा चल रहा है उसके बारे में जानकारी देनी पड़ती थी। मतलब कोई भी आदमी है लल्लू पंजू वो इलेक्शन लड़ने खड़ा हो जाता था। बट 2001 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी गाइडलाइन की, भाई अच्छे इंसान है वो आए, वो मतलब हमारी डेमोक्रेसी में लोगों का ट्रस्ट है वो बना रहे, इन सारी चीज़ों की तरफ जुडिशरी ने फोकस करते हुए ये कंपलसरी कर दिया 2001 के बाद कि भाई जो भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसको अपनी एसेट मतलब अपनी संपत्ति के बारे में बताना होगा, इसी के साथ जो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके बारे में बताना होगा, और इसी के साथ उसके ऊपर कोई केस वगैरह मुकदमा वगैरह तो नहीं है, सिविल हो या फिर कोई भी तरह का मुकदमा, उसके बारे में सारी जानकारी वो देनी होगी। अगर वो जानकारी नहीं देता है तो रिप्रेजेंटेशन और जो पीपल टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 उसका उल्लंघन के मामले में उसको एक्चुअली सदस्यता है वो जा सकती है, उसका इलेक्शन है वो कैंसिल हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स है। इसके बाद में देखोगे कि अभी रिसेंटली और भी कुछ प्रावधान किए हैं, जैसे अभी भी हमारे जुडिशियरी ने ये प्रावधान किए थे कि भाई कोई भी जो दोषी MP या MLA होता है उसकी सदस्यता वो चली जाएगी। देखो पहले सिस्टम था 2001 के टाइम, बाद में जुडिशियरी ने ये किया था कि भाई कोई भी MP और MLA अगर मतलब उसके ऊपर केस वगैरह मुकदमा होता है और कोई भी उसे कोर्ट है चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कोई भी कोर्ट हो अगर उसके ऊपर बोलते कि हाँ ये आरोपी है या इसने ये अपराधी है, तो उस कंडीशन में उसके पास 2-3-4 महीनों का टाइम होता था कि वो हायर कोर्ट पे अपील कर सकता था, तब तक उसकी सदस्यता नहीं जाती थी। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन ये जारी की है कि भाई अगर किसी के ऊपर भी अगर कोई भी कोर्ट है अगर वो कह देते कि हाँ ये दोषी है तो उसकी सदस्यता तुरंत चली जाएगी। मतलब अब टाइम वाइम कुछ नहीं दिया है ताकि वो कोई भी इधर उधर से जुगाड़ ना कर सके इन सब के लिए। इसी के साथ जुडिशरी नोटा लेके आई थी, जैसा कि इलेक्शन में अपन देखते हैं कि नोटा का यूज किया जाता है, वो इसीलिए लेके आई थी ताकि लोगों का पता चले कि भाई लोग किस कैंडिडेट के कितने इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, या वहाँ पे मतलब अच्छे कैंडिडेट खड़े हो रहे नहीं, और उन सारी चीज़ों को तरफ फोकस करते हुए जुडिशरी ने काफ़ी सारे स्टेप उठाए हैं। अब देखो बाद में भी नया आर्टिकल इसलिए है कि जो भी जुडिशरी ने एक नया स्टेटमेंट और दिया, मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट का एक नया वर्डिक्ट है उसके बारे में आर्टिकल में बताया गया। तो उसमें सबसे ये बताया गया कि देखो अभी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ाना काफ़ी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जनता का विश्वास है, जनता का फेथ है वो होना चाहिए। अगर जनता का रूलिंग गवर्नमेंट में भरोसा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं लीक करी है। तो उन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट फोकस मतलब सुप्रीम कोर्ट या हमारी न्यायपालिका फोकस करते हुए उसने भी नए स्टेप ही लेके आया है कि जो भी MP कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, MP MLA जो है कोई और भी हो, वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम है उसे वो बतानी होगी, मतलब किस तरीके से उनकी इनकम हो रही है, मतलब उसकी जो पहले की इनकम है क्या उसका इनकम का सोर्स क्या है, वो इनकम आती कहाँ से उसके पास, तो उससे बताना होगा कि भाई मैं वो खेती करता था या मतलब उसका क्या ऑप्शन था या फिर कोई उसका प्राइवेट जॉब था, कुछ भी उसे इनकम का सोर्स बताना होगा। ऐसा इसलिए कर रही है जुडिशरी ताकि देखो कई बार क्या होता है कि पॉलिटिशियन वगैरह काफ़ी सारे केसेस सामने आते हैं कि मैक्सिमली पॉलिटिशियंस हैं वो जैसे जब भी इलेक्शन लड़ने जाते हैं तब उनकी प्रॉपर्टी होती है 10 लाख रुपए, और जब वो 5 साल में जब वो पाँच साल अपना कार्यकाल पूरा करते हैं उनके बाद उनकी प्रॉपर्टी देखा जाती है तो कई करोड़ों में हो जाती है। तो उनका मतलब साफ साफ है कि उन्होंने कहीं ना कहीं घपला किया, धांधलबाजी की है, मतलब ब्लैक मनी की है, अवैध तरीके से कमाई की है, या फिर अपने जो पद है उसका दुरुपयोग किया है। तो उन सारी चीज़ों पर लगाम लगाते हुए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि भाई आपको अपनी इनकम का सोर्स वो बताना होगा कि आपकी इनकम हो कहाँ से रही है इतनी, इसका मेन बात। इसके साथ दूसरा ये क्या है कि आपको जो वेल्थ आपका जो धन है उसको चेक करने की भी अनुमति होगी, मतलब इसका मेन फायदा ही हो जाएगा क्योंकि देखो अब लोगों को पता चल जाएगा कि पब्लिकली कि हाँ भाई इस MP और MLA की इनकम वो इस तरीके से होती है, तो लोग आराम से उस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि कहीं ये फर्जीबाजी धांधलेबाजी तो नहीं करता है। इसी के साथ वेल्थ चेक करने का मेथड वो भी फायदे होंगे, मतलब धन लोगों के द्वारा चेक किया जा सकता है, मॉनिटरिंग है वो की जा सकेगी, और इससे होगा क्या, इससे जो भी और MP MLA जो भी सदस्य होगा उम्मीदवार होगा वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकेगा क्योंकि उसमें जनता के प्रति अपना फेथ है वो रखना होगा, तो इन सारी चीज़ों को फोकस करना होगा। तो ये काफ़ी अच्छे स्टेप हैं।
अब देखो इसी के साथ फिर आगे आर्टिकल कह रहा है कि पब्लिक फंड का कई बार दुरुपयोग करते हैं तो उस चीज पे लगाम लगेगी इस चीज से। इसी के साथ कई बार क्या होता है कि अवैध कमाई करते हैं इलीगल तरीके से, उस कमाई पे भी रोक लग जाएगी। इसी के साथ कई बार क्या वो करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाती हैं, तो अगर अब ऐसा होता है कि अगर वो कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाते हैं तो उस कंडीशन में उनकी सदस्यता है वही चली जाएगी, चाहे एमपी हो मतलब कोई भी हो। इसके साथ ही पद का जो दुरुपयोग करने की बात थी वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी इस सारे स्टेप्स की वजह से। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों की बात है कि राइट टू वोट का, लोग वोट क्यों देते हैं? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट होता, तो अब लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ेगा, लोग जानबूझ के वोट देंगे कि हाँ यार अब जो भी एमपी है, जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो आराम से ट्रांसपेरेंट रहेगा, क्योंकि वो गफलेबाजी वो नहीं कर सकेगा। तो इसलिए क्या है कि वो राइट टू वोट का जो अधिकार है हमारे देश में वो एक्चुअली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हो जाएगा। तो ये सारे कुछ स्टेप हैं जो कि मेनली भी जुडिशियरी के द्वारा किए गए। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो हमारे पड़ोसी देशों के रिलेशन के बारे में, कि इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन के लिए। तो यह मेनली GS2 से रिलेटेड यह आर्टिकल है। इस आर्टिकल में देखो मेनली ये कहा गया है कि इंडिया का जो रोल है ना वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में तो लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स में तो इंडिया का जो रोल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बट बात आती है पड़ोसी देशों की तो कहीं वहाँ कहीं ना कहीं इंडिया थोड़ा पीछे रह रहा है। तो देखो इसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि अभी आसियान कंट्रीज के जो 26 जनवरी के मौके पर आसियान कंट्रीज के सारे मेंबर इंडिया मतलब इंडिया इन्वाइट किया गया था। इसी के साथ देखा जाए तो उसके तुरंत बाद जो इसराइल के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू वो इंडिया विजिट पे थे, और उसी के तुरंत बाद आपको पता है कि इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे वो एक्चुअली ओमान दुबई और एक ओमान यूएई एंड पेलेस्टीन की यात्रा पे गए थे। तो इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि भाई इंडिया है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना कदमदबा बढ़ाते जा रहा है। पर राइटर साहब ये कह रहे हैं कि देखो अच्छी बात है कि इंडिया अपने दूर दराज के देशों के साथ रिलेशन है वो बढ़ा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बात यहाँ पे आती है कि हमें हमारे पड़ोसी देश है ना उन पर फोकस करना होगा, क्योंकि देखो पड़ोसी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो भी हम इस आर्टिकल में देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कहते हैं कि देखो जो दूर दराज के रिलेशन है ना वो एक लिमिट के बाद हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। दूर दराज के रिलेशन के साथ अगर हम हार्ड डिसीजन नहीं लेते हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जाम्पल आप उस चीज़ का देख लो कि इसराइल की जो कैपिटल बनाई गई थी जेरूसलम, उसका इंडिया ने विरोध किया, तो उस चीज़ का विरोध करने के बाद इंडिया के रिलेशन इतने खराब थोड़ी हो गए इसराइल के साथ, नहीं हुए ना। बट अगर वही चीज़ अगर पड़ोसियों के साथ देखा जाए तो हमें काफ़ी नुकसानदायक नुकसान है वो पहुँचा सकती है, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो राइटर साहब ये कह रहे हैं कि चाहे साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट देख लो, या फिर चाहे आप क्वाड ग्रुप की बात देख लो, या फिर और जैसे कि अभी भारत के प्रधानमंत्री की जो यात्रा थी उन सारी बातों को देख लो, वो सारे रिलेशन है वो इंडिया के पड़ोसी रिलेशन नहीं है, वो इंडिया के दूर दराज के रिलेशन है। तो उन दूर दराज के रिलेशन में इंडिया को इतना फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि देखो पड़ोसी हैं तो उसके काफ़ी इंपॉर्टेंस है। पड़ोसी की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो भी देखने वाले हैं। देखो पड़ोसी की इंपॉर्टेंस की बात यहाँ पर ही आती है, आप मालदीव का एग्जाम्पल ले लो, नेपाल का से बांग्लादेश का, नेपाल का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो सबसे पहले अगर नेपाल के अंदर देखो अभी है वो लेफ्ट पार्टी है, मतलब लेफ्ट विंग की पार्टी वहाँ पे सत्ता में है। अब लेफ्ट विंग की जो पार्टी है वो एक्चुअली आपको पता है कि चाइना की और थोड़ी अट्रैक्टेड है, मतलब चाइना के प्रति उसका झुकाव है। तो अगर उस पार्टी का चाइना की तरफ झुकाव, इसका मतलब क्या हुआ, नेपाल में चाइना का वर्चस्व बढ़ेगा। अगर नेपाल में चाइना का वर्चस्व बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट के लिए तो खराब है ना, क्योंकि इंडिया तो ग्लोबल लीडर बनने की चाह रहा है। अब इंडिया ग्लोबल लीडर बनेगा कहाँ से भाई, जब इंडिया की पड़ोसी देशों में नहीं चल रही है, तो ग्लोबल लीडर तो बनने की बात दूर हो जाएगी। तो वही बात है कि इंडिया को अपने पड़ोसी देशों में अपना दबदबा वो रखना होगा, और इंडिया को अपने पड़ोसी देशों के साथ हार्ड डिसीजन है, हार्ड निर्णय वो लेने होंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया पड़ोसी देशों को एक तरीके से मतलब हाँ चल रहा है ऐसे ऐसी नहीं करना होगा। इसके बाद में बात आती है मालदीव की, कि देखो मालदीव में भी कुछ टाइम से देखा जाए तो चाइना का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ था, और वहाँ पे धीरे धीरे जो इंसिडेंट्स ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है छोटे छोटे, वो भी लगातार वहाँ पे बढ़ रहे हैं, और अभी रिसेंटली वहाँ पे इमरजेंसी वो लगाई थी। तो इन सारी बातों से पता चल रहा है कि भाई इंडियन ओशियन में चाइना का दबदबा वो बढ़ रहा है, और इंडिया का दबदबा मतलब इंडिया की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, इवन पड़ोसियों में वैल्यू कम हो रही है। ये तो वो बात होगी कि अपने घर में ही नहीं चले तो दूसरों के पास कहाँ चलेगी। तो इसलिए इंडिया को अपने पड़ोसी देशों के साथ फोकस है वो करना होगा, ताकि पड़ोसी देशों का रिलेशन इंडिया के इंप्रूव हो, और अगर पड़ोसी देश ही इंडिया को ग्लोबल लीडर की तरफ फोकस करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद में बात आती है बांग्लादेश की। देखो राइटर कह रहे हैं कि बांग्लादेश में भी क्या है, अभी बांग्लादेश में जो आवामी लीग की पार्टी है उसके भी सत्ता में है, तो अभी आवामी लीग की पार्टी के द्वारा मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया था, उसमें क्या था कि भी जो वहाँ की बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो लीडर थी, मतलब विपक्षी जो पार्टी है वहाँ की, उसकी लीडर को अभी क्या है कि 5 साल की सजा सुना दी गई थी। तो राइटर ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 5 साल की सजा सुना दी गई कोई बात नहीं है, बट अगर आप ये देखिए इन केस ऑफ फ्यूचर, अगर बांग्लादेश नेशनल पार्टी सत्ता में आ जाती है और उसके साथ तो इंडिया के रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया तो एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे, वो कर रहा है आवामी लीग पार्टी को। तो अगर इन केस वहाँ पे आवामी लीग पार्टी की जगह बांग्लादेश नेशनल पार्टी आ गई तो फिर इंडिया का क्या होगा? तो इंडिया को ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी की तरफ झुकाव करना चाहिए, इंडिया को बहुत सोच समझ के स्ट्रॉन्ग
एक्शन है वो लेने चाहिए, क्योंकि देखो पड़ोसी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सारे पॉइंट से हमें एक चीज समझ में आ गई है। इसके बाद में बात आती है अफगान की, कि देखो अगर अफगानिस्तान में आतंकवाद बढ़ता है तो इंडिया के लिए खतरनाक क्यों है। अफगानिस्तान में आपको पता कि इंडिया ने अप्रोक्सीमेट 2 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट, $2 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट है वो की है। तो इस केस में अगर वहां पर तालिबान सत्ता में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तालिबान के साथ इंडिया के रिलेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरा, वहां पर इंडिया ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किया वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। अब देखो बात ऐसी है, हालांकि वो बात सी कि यूएस से है वो अफगानिस्तान में लगातार वहां पे मतलब लड़ाई कर रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट यूएसए की इंटरेस्ट डायरेक्ट इतने नहीं है, इंडिया का तो पड़ोसी है अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान में आतंकवाद की सत्ता आती है, इसका मतलब क्या होगा? पाकिस्तान तो आपको पता है वैसे ही फेल स्टेट है। अगर पाकिस्तान मतलब अफगानिस्तान में वहां की पार्टी अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? तब पाकिस्तान में तो वैसे ऑलरेडी तालिबान है, वहां भी तालिबान होगा। तो इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान उस चीज का फायदा उठाते हुए जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पे इंडिया को नुकसान हो पहुंचा सकता है। इसलिए हमें फोकस करना चाहिए इस चीज के ऊपर कि भी ऐसा स्टेप ना उठाया जाए। अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है उस चीज का। तो इसीलिए इंडिया को अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन है वो इंप्रूव करने चाहिए, और पड़ोसी देशों का रिलेशन इंप्रूव करने के लिए हार्ड डिसीजन है वो लेने चाहिए। इसके बाद में आर्टिकल है वो कह रहे हैं कि देखो अगर पड़ोसी देशों में चाइना का दबदबा बढ़ता आ रहा है, इसका मतलब इंडिया है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो इंडिया को इस दिशा में कदम उठाना होगा और पड़ोसियों के साथ हार्ड डिसीजन लेने होंगे। देखो दूर दराज के कंट्रीज के साथ अगर इंडिया हार्ड डिसीजन नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर हार्ड डिसीजन लेगा नहीं लेगा तो उसको कोई इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देखो साउथ चाइना सी का मुद्दा है, अगर साउथ चाइना सी में कुछ भी हो रहा है तो उसको इंडिया को डायरेक्टली खुद नुकसान थोड़ी हो रहा है कि हाँ भाई इंडिया की वैल्यू कम हो रही है। इनडायरेक्टली इंटरेस्ट सेट हो रहे हैं कि भाई वहाँ के जो दोस्त हैं वो इंडिया से नाराज हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। बट अगर पड़ोसी देशों में चाइना का दबदबा बढ़ रहा है, इसका मतलब इंडिया के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं। तो वो चीज़ आती है लास्ट में। फिर देखो वे फोर्ड में यही कही जाती है कि इंडिया को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसमें पड़ोसियों पर ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आती है, आतंकवाद आ गया, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है वहाँ पे पाकिस्तान है वो और ज़्यादा इस चीज़ का मिसयूज करेगा। इसके बाद में बात आती है पाकिस्तान की। अगर पड़ोसी देशों में पाकिस्तान को देखा जाए तो उसकी बात तो बहुत आप सब लोग जानते ही हैं। पाकिस्तान तो एक फेल स्टेट है, एक फेल कंट्री बन चुका है। पाकिस्तान में तो कोई पॉलिसी कुछ काम नहीं करी, और इंडिया की भी ऑलमोस्ट जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान के मामले में वो फेल रही है। और इंडिया है वो ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, तो इसलिए इंडिया को स्टेप ही उठाने होंगे कि भाई पाकिस्तान के साथ भी अपनी पॉलिसी में हार्ड डिसीजन है वो लें। क्योंकि देखो अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो रहा है तो वो भी इंडिया को प्रभावित हो करेगा। इसलिए इंडिया को भी पाकिस्तान के साथ हार्ड डिसीजन है वो लेकर चलना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो इंडिया की जो विकास यात्रा है ना उसमें पाकिस्तान तो रोड़ा अटक ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट फिर भी हमें हार्ड डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि हार्ड डिसीजन नहीं लेंगे तो पाकिस्तान और ज़्यादा इस चीज़ का मिसयूज करेगा। और फिर वो लास्ट बात की जा रही है कि पहले अपने पड़ोसियों पर हमें लीडर बनना होगा, उसके बाद हमें वर्ल्ड लीडर है वो बनना होगा। अगला आर्टिकल है वो है हेल्थ से रिलेटेड। तो इस आर्टिकल में मेनली बताया गया है कि इंडियन हेल्थ सिस्टम के बारे में। तो देखो वैसे तो इस टाइप के आर्टिकल में काफी सारे डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसमें एक दो पॉइंट ने वो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस आर्टिकल में पहले थोड़ा डाटा दिया गया है, तो ये मेनली आप कहीं यूज कर सकते हो, मतलब अगर आपको याद रहे तो थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए थोड़ा फायदेमंद हो जाएगा नाइट्रो बूस्ट की तरह। तो सबसे पहले इसमें डाटा ये दिया गया कि हमारे देश में 600 मिलियन मतलब पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास अभी भी मेडिकल एक्सेस है वो नहीं है, मतलब वहाँ पे डॉक्टर की पहुँच है वो नहीं है। और देखा जाए तो इंडिया में डॉक्टर की संख्या वो कम नहीं है, बहुत कम है। अब 5 मिलियन डॉक्टरों की भी इंडिया को जरूरत है, जबकि डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। फिर बाद में देखो यहाँ पे बात ये आ रही है कि राइटर एक चीज़ राइटर के द्वारा एक डिसीजन दिया जाता है, मतलब जो राइटर एक सुझाव दे रहे हैं, राइटर का सुझाव ये देना है कि भाई जो भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि एक्चुअली डॉक्टर बनने के काबिल तो होते हैं बट वो डॉक्टर MBBS वो नहीं बन MBBS वगैरह की डिग्री वो नहीं कर पाते हैं, तो जो भी योग्य उम्मीदवार हैं ऐसे उनको क्यों ना क्यों 3-4 साल की या मतलब 3-3.5 साल की ऐसी ट्रेनिंग वगैरह करवा दी जाए और फिर उनको गाँव में एक प्राइमरी हेल्थ केयर पर रखा जाए। तो उसका फायदा ये होगा कि गाँव में जो छोटी नॉर्मल बीमारियाँ होती हैं उन पर लगाम लग जाएगी। क्योंकि देखो हर सारे पेशेंट हैं उनको कोई हेवी डिजीज नहीं होती है, नॉर्मल छोटी मोटी डिजीज होते हैं, उस केसेस में वो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दे सकते हैं। फिर बाद में राइटर कह रहे हैं कि ऐसे जो डॉक्टर थे लाइसेंस मेडिकल जिनको प्रैक्टिशनर्स कहा जाता है LMPs, इनको एक्चुअली इंडिया में पहले भी यूज किया जाता था। मतलब ये कॉन्सेप्ट था ना लाइसेंसियड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इनकी पहले इंडिया में 1940 के टाइम पे इनका यूज है वो किया जाता था, मतलब इनको ये मेथड यूज करता। इसमें ये होता था कि भाई जो भी योग्य उम्मीदवार है ना उनको 3-3.5 साल की ट्रेनिंग करवा दी जाती थी, फिर उनको जो भी मॉडर्न मेडिसिन मतलब जो बेसिक हेल्थ के बारे में चीज होती है वो सारी चीजें उनको बताई जाती थी ताकि वो ट्रीटमेंट वगैरह वो कर रूरल एरिया में ट्रीटमेंट है वो कर सके।
अब इसी के साथ बात ये थी कि देखो कई इश्यूज आते हैं इसमें, कि कुछ लोग फिर सवाल उठाते हैं कि इसमें एमबीबीएस के जो डॉक्टर्स हैं उनका खतरा बढ़ जाएगा, कि भी एमबीबीएस के डॉक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि ये डॉक्टर ज्यादा रहेंगे और ऐसे डॉक्टर वो झोला छाप हो जाएंगे। तो उन सब के बारे में डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि देखो ये झोला छाप डॉक्टर नहीं होंगे क्योंकि इनके पास पूरी प्रैक्टिसेस होगी, 3 साढ़े 3 साल का इनके पास पूरा कोर्स होगा। देखो वैसे नॉर्मल एमबीबीएस का कोर्स होता है 5 साल का, बट अगर ये डॉक्टर 3 साढ़े 3 साल में कोर्स करेंगे तो इनको फायदा ये हो जाएगा कि इनको जो बेसिक नीड है ना, कि रूरल एरिया में जो बेसिक बीमारियां वगैरह होती हैं उनके ऊपर इनकी कमांड वो काफी रह जाएगी, तो रूरल एरिया में जो डॉक्टरों की संख्या की कमी का जो इश्यू है वो दूर किया जा सकता है। दूसरी बात ये आती है कि अगर इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होगी और इसी के साथ इनको जो एमबीबीएस जो डॉक्टर्स होंगे ना उनकी गाइडलाइन में काम करवाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये दोनों एमबीबीएस के डॉक्टर और ये जो झोला छाप डॉक्टर जिनको एलएमपी कहेंगे ये इक्वल रहेंगे, इक्वल नहीं रहेंगे। एमबीबीएस के डॉक्टर वो इनसे ऊपर रहेंगे और उनके गाइडेंस में ही है काम है वो करेंगे। इसके बाद में बात ये आती है कि जो रूरल एरिया में जो देखा जाए तो हमारे देश में हेल्थ केयर की बहुत बड़ी इश्यू है। मतलब वहाँ पे क्या है कि लोगों के पास डॉक्टर्स की संख्या इतनी कम है कि डॉक्टर्स वहाँ पे प्रॉपर ढंग से पहुँच नहीं पाते हैं। तो उन सारी चीज़ों की तरफ फोकस ये करना होगा कि भाई रूरल एरिया में डॉक्टर की संख्या वो कम है क्यों। तो सबसे पहले तो हमें कुछ स्टेप ये देखने होंगे कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स की संख्या कमी आ रही है उसमें जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको भी हमें कहीं ना कहीं प्रमोट करना होगा ताकि वो भी रूरल एरिया में जाके काम वो कर सकें। बाद में आर्टिकल में मैंने ये चीज़ फोकस की गई है कि जो ये लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं एलएमपी, इनको गवर्नमेंट को लेके आना होगा ताकि जो भी रूरल एरिया की प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको बूस्ट किया जा सके। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट एडिटोरियल डिस्कशन। आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।